हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निकल क्लास पर। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, घर पर होंगे और अपने एग्जाम के प्रिपरेशन को अच्छे से करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल या फिर सिविल या फिर अदर ब्रांच के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका जो सब्जेक्ट है अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड, तो इसका आज हम चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम समतल यानी कि प्लेन है, तो आज हम इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये आप मान के चलिए कि ये मतलब ये जो जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो इस चैप्टर की जान है। मतलब कहने का यह है कि यदि आपको इसका नॉलेज नहीं है तो आप इसके इस चैप्टर के एक भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मतलब कहने का यह है कि इसके जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं, जो भी मतलब इसमें हम जो भी चीज़ें मतलब सवाल को हम सॉल्व करते हैं जिस फार्मूले के ऊपर, तो सारी चीज़ें हम इस बात में बात करेंगे। और देखिए, हम बात करें कि ये जो चीज़ें हम बताने जा रहे हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड क्यों इंपॉर्टेंट है, आपका जो एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन एग्ज़ाम जो 2021 का, इसके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपका जो एग्ज़ाम होगा आपका 90 मिनट में होगा पेपर। अब 90 मिनट में देखिए आपका कह रहा है कि हम एक पेपर में लगभग तीन सब्जेक्ट को ऐड करेंगे, तो अगर तीन सब्जेक्ट को ऐड करेगा तो मतलब क्या है, क्वेश्चन को उतना हार्ड लेवल का देगा नहीं, जिससे हमारा जो है 90 मिनट का जो टाइम है वो कम पड़ जाए। तो इसीलिए हम यहाँ पे बात इसीलिए कर रहे हैं इसके इंपॉर्टेंट फार्मूलाज की। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है इंपॉर्टेंट फार्मूला पूछ लेता है, क्योंकि देखिए यदि आपको फार्मूला याद है तो आप सवाल हल कर ले जाएंगे। तो इसीलिए क्या होता है, वो फार्मूला पूछ लेगा, क्योंकि देखिए एग्ज़ामिनर क्या होता है, एग्ज़ाम जो आपका लिया जा रहा है इसीलिए लिया जा रहा है क्योंकि आपको थोड़ा मतलब नॉलेज हो जाए सब्जेक्ट के बारे में, तो इसीलिए आपका एग्ज़ाम हो रहा है। तो आपको इसमें बेसिक चीज़ें ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि केवल क्वेश्चन लगाना नहीं आना चाहिए, आपको फार्मूले भी यूज होना चाहिए, याद होना चाहिए। और देखिए, यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो सारे फार्मूले जो कॉन्सेप्ट हैं इसके आपको एकदम अच्छे से कवर अप हो जाएंगे और इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे बहुत ही इजीली वे में आप सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं जो जो फार्मूले इंपॉर्टेंट होंगे आपको बताते चलेंगे कि ये एग्ज़ाम के आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो आप उसको नोट करते चलिएगा। बाकी देखिए, यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें चैनल को, और वीडियोस को भी शेयर करें ताकि जो हमारा चैनल है और थोड़ा सा फैमिली और बड़ी हो जाए और आपके लिए और बेहतर कर पाएँ। देखिए, जो हमारा समतल है, जो हमारा क्या कहते हैं समतल चैप्टर है, प्लेन जिसका नाम है, तो समतल चैप्टर के बारे में आप इसमें क्या पढ़ेंगे कि समतल का समीकरण क्या होता है, समतल कोई दो समीकरण दे दिया गया समतल का, तो उनके बीच का कोण कैसे ज्ञात करेंगे, या फिर आपको एक बिंदु दे दिया गया और एक समीकरण दे दिया गया है समतल वाला, तो उनके बीच का जो है क्या कहते हैं दूरी कैसे निकालेंगे, तो और दो समीकरण दे दिया गया तो उनके बीच का दूरी कैसे निकालेंगे। तो समीकरण, दूरी और कोण, ये तीन चीज़ आपको इसमें पढ़ना है। तो यही तीन चीज़ें यदि आपकी तैयार हो जाती हैं तो समतल चैप्टर आपका जो है एकदम बहुत ही ईजिली वे में आप मतलब कहने के मतलब आप इसके क्या कहते हैं एक प्रकार से इस चैप्टर में आप बहुत ही माहिर हो जाएंगे। बाकी देखिए, समतल का समीकरण हम बात कर लेंगे पहले कि समतल का समीकरण किस प्रकार से होता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि समतल का व्यापक समीकरण पहले आप समझ लीजिए। तो देखिए, इंपॉर्टेंट हमने इसीलिए लगाया है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि समतल का व्यापक समीकरण है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी देकर के ऐसे पूछ लेगा, तो इसलिए हमने पहले वाले को इंपॉर्टेंट लगा दिया कि समतल का व्यापक समीकरण क्या होता है। देखिए, समतल का जो व्यापक समीकरण होता है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू जीरो होता है। क्या होता है, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू जीरो, ये होता है हमारा समतल का व्यापक समीकरण। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो जहाँ a, b, c समतल के अभिलंब के द्विपद हैं, तो जहाँ पे a, b, c जो हमारा है समतल के अभिलंब के यानी प्लेन जो है उसके अभिलंब के द्विक अनुपात होते हैं। तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए कि समतल का व्यापक समीकरण क्या होता है, क्या होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी होता है, यानी कि ए बी सी डी और एक्स वाई जेड, बस ऐसे कर देना है तो आपका इसका समतल का व्यापक समीकरण हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, व्यापक समीकरण का चीज़। और देखिए, इसका जो आप जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए पॉलिटेक्निक क्लास के नाम से, तो वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो जितने भी मतलब हम वीडियोज़ बनाते हैं सारी जो भी इंफॉर्मेशन होती है तो वहीं पर हम देते हैं, तो ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्या है, सॉरी फार्मूला नंबर टू क्या है कि अभिलंब रूप होता है। देखिए, अभिलंब रूप क्या होता है समीकरण का, आप देख लीजिए कि एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर पी होता है, जहाँ पर पी मूल बिंदु से समतल की लंब दूरी होती है। तो अभिलंब रूप जो होता हमारा होता है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड प्लस पी, और जहाँ पर पी जो होता है मूल बिंदु से समतल की लंब दूरी होती है, तो इसको भी आपको याद होना चाहिए। बाकी देखते हैं, ये जो हमारा है थर्ड वाला, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है
मतलब डायरेक्टली पूछ ही लेता है कि समतल का अंताखंड रूप क्या होता है। तो देखिए, समतल का समीकरण का जो अंताखंड रूप होता है क्या होता है, एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी प्लस सी जेड अपान सी इज इक्वल टू वन, ये हमारा क्या होता है, समतल का अंताखंड रूप होता है, जहाँ पे ए बी सी जो हमारा होता है समतल द्वारा एक्स अक्ष से और वाई अक्ष से और जेड अक्ष से कटे अंताखंड होते हैं। यानी कि ए जो होता है एक्स अक्ष से कटा अंताखंड होता है, बी जो होता है जेड वाई अक्ष से कटा अंताखंड होता है, और सी जो होता है जेड अक्ष से कटा अंताखंड होता है। तो ये हमारा अभी यदि आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि अंताखंड रूप का समीकरण है, तो आप यही फार्मूला लिख करके आएंगे, एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी प्लस जेड अपान सी इज इक्वल टू वन। तो देखिए, आपने इसको बहुत पहले भी पढ़ा होगा, अगर आप 12th पढ़ करके आए हैं तो आपको पता होगा। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कि एक बिंदु एक्स वन वाई वन जेड वन से होकर गुजरने वाला समतल का समीकरण। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी इस पर न्यूमेरिकल मतलब सवाल पूछ लेता है कि एक बिंदु दिया रहेगा दो तीन चार, और पूछेगा कि इस बिंदु से होकर गुजरने वाला समतल का समीकरण क्या होगा। तो आपको क्या बताना होगा, आधी आपको जब फार्मूला ये वाला याद होगा तभी तो आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए क्या होता है फार्मूला, कि ए बराबर ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो देखिए, यहाँ पे जो हमारा एक्स वन वाई वन जेड वन है, ये हमारे बिंदु दिए गए हैं, और ये जो हमारा समीकरण है ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई में से वाई वन घटा देना है प्लस सी इंटू जेड में से जेड वन घटा देना है, और सभी को जोड़ देना है और कर देना बराबर जीरो के। तो इस प्रकार से हमारा यदि एक बिंदु दिया गया है और गुजरने वाला समतल का समीकरण यही हो जाएगा। तो ये आपको फार्मूला याद होना भी चाहिए, ताकि आप सवाल भी सॉल्व कर लें, और बाकी यदि एग्जाम में पूछ लेता है कि एक बिंदु से होकर गुजरने वाला समतल का समीकरण क्या होगा, चार ऑप्शन दे देगा, तो आप इस प्रकार से उस पर टिक लगाएंगे। कुछ नहीं करना होगा, ना कुछ कलम ना पेन उठाना ना कलम उठाना, केवल क्या करना है, फटाफट टिक लगा देना है। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर सॉरी फार्मूला नंबर 5 क्या है, जो कि इंपॉर्टेंट है, कि मूल बिंदु से अगर गुजरने वाला समतल का समीकरण क्या होता है, कि मूल बिंदु से यदि गुजरेगा समतल का समीकरण तो उसका फार्मूला क्या होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर जीरो होगा। मतलब कहने का, जो आपका व्यापक समीकरण होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी और बराबर जीरो के होता है, तो यहाँ पे डी हट जाता है जब मूल बिंदु से समीकरण गुजरेगा बिंदु, तो यह क्या होगा, समतल का समीकरण, यहाँ पे डी हट जाएगा, मतलब क्या होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर जीरो हो जाएगा। तो आपको कुछ इस प्रकार से याद कर लेना है, ताकि भूले ना। बाकी देखिए इम्पॉर्टेंट है फार्मूला है, बाकी बढ़ते हैं फार्मूला नंबर 6 क्या है, कि तीन बिंदुओं एक्स वन वाई वन जेड वन और एक्स टू वाई टू जेड टू तथा एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री से होकर गुजरने वाला समतल का समीकरण। अब देखिए, तीन बिंदु दिए जाएंगे एग्ज़ाम में, मान लीजिए आपसे आपको दे दिया कि तीन बिंदु दो तीन चार और तीन चार पाँच या फिर आठ नौ छः, इस प्रकार से एक्स वन वाई वन जेड वन एक्स टू वाई टू जेड टू और एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री दे दिया गया, और पूछेगा कि समतल का समीकरण बताओ, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए, केवल ये वाला। तो देखिए कैसे याद होगा आपको, कि एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन, एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन, एक्स थ्री माइनस एक्स वन वाई थ्री माइनस वाई वन जेड थ्री माइनस जेड वन। तो देखिए इसको आप कैसे याद करेंगे, याद करना आपके लिए थोड़ा सा वो है। तो देखिए यहाँ पे बराबर जीरो के होता है, तो आप लिख लीजिएगा कि बराबर जीरो के, थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना है, तो बराबर कर देना जीरो के यहाँ पे, तो वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। बाकी देखते हैं कैसे इसको आपको याद करना है, देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है, देखिए एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ऐसे स्टार्ट होता है गिनती, तो ऐसे नहीं करना है, केवल यहाँ पे क्या करना है, एक्स लिखना है फिर एक्स टू लिखना है एक्स थ्री लिखना है, मतलब कहने का मतलब एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ना लिख करके आपको क्या करना है, एक्स लिखना है फिर एक्स टू लिखना है फिर एक्स थ्री लिखना है, फिर इस बात घटा देना है माइनस एक्स वन माइनस एक्स वन माइनस एक्स वन घटा देना है, तो हमारा ये वाला हो गया। अब देखिए अगले में क्या करना है, वाई लिखना है वाई टू लिखना है वाई थ्री लिखना है, फिर क्या करना है माइनस वाई वन माइनस वाई वन माइनस वाई वन घटा देना है, ये हो गया। अब अगले वाले में क्या करना है, जेड लिखना है जेड टू लिखना है जेड थ्री लिखना है माइनस जेड वन माइनस जेड वन माइनस जेड वन घटा देना है, तो बस ये हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आपको थोड़ा सा याद कर लेना है और इसको कर देना बराबर जीरो के, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका समतल का समीकरण आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बाय सारणिक नियम से, सारणिक के नियम से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा। और देखिए दूसरा भी तरीका इसका होता है, तो मतलब हम आपको यदि देखिए हम इसलिए इसको बता रहे हैं क्योंकि आपने सारणिक पढ़ा होगा इसके पहले, तो इसीलिए आप फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपने पढ़ा होगा, तो इसीलिए हमने इसको बताया ताकि आपको इजीली वे में सॉल्व हो जाए क्वेश्चन। बाकी देखते हैं
क्वेश्चन नंबर फार्मूला नंबर 7 क्या है? तो देखिए फार्मूला नंबर 7 क्या है यहाँ पे, कि यदि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड सॉरी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डी सी जेड प्लस डी बराबर 0 के समांतर समतल का समीकरण। अब देखिए हमारा व्यापक रूप दिया गया है, तो व्यापक समतल के व्यापक समीकरण के समांतर समतल का समीकरण ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो क्या होगा, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस के हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस के, मतलब कहने का यहाँ पे अंतर क्या होगा, ए एक्स भी वही रहेगा, बी वाई भी वही रहेगा, सी जेड भी वही रहेगा, केवल डी और के मतलब क्या कहते हैं अचर पद जो हमारा होता है उसका उसका फ़र्क रहेगा यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब व्यापक समीकरण के या फिर इस समीकरण के समांतर समतल का समीकरण ए हो जाएगा, सारी चीज़ें वही रहेंगी, केवल डी और के में अंतर हो जाएगा। मतलब यदि आपको एग्जांपल दिखाना है इस प्रकार से, देखिए 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5, एक हमारा ये हो गया। अब इसी का अगर समांतर दिखाएं तो 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 9, तो देखिए 5 और 9 यानी कि डी और के में फ़र्क है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, समतल का समांतर समीकरण हो जाता है। तो ये देखिए ये क्वेश्चन जब आप दूरी ज्ञात करेंगे, एक फार्मूला होता है d2 माइनस d1, दो समीकरण दिया रहेगा, तो जब उन वहाँ पर दूरी आप ज्ञात करेंगे तो ये चीज़ करना आपको आपको बहुत ही ज़रूरी होगा, इस चीज़ का आपको यूज करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप इसको याद कर लीजिए अभी से ही, और देखिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, क्योंकि इन सब फार्मूले पर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं बनते हैं, आप इन क्वेश्चन को 2 मिनट में यानी 1 मिनट या 2 मिनट में सॉल्व कर ले जाएंगे इजीली वे में। तो इसीलिए ऐसा आप सारे फार्मूले याद होने चाहिए ताकि क्वेश्चन भी आपको आसानी से सॉल्व हो जाए। तो अगले वीडियो में हम आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बता देंगे, तो जितने क्वेश्चन बता देंगे यदि आप उन्हीं को सॉल्व कर लेंगे ना, तो कुछ नहीं करना है आपको चैप्टर में, बस उन्हीं को पढ़ के जाना और एग्ज़ाम में फटाफट सॉल्व करके आना है। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कि सॉरी फार्मूला नंबर 8 क्या है, कि दो समतल के परिच्छेद से होकर गुजरने वाला समतल का समीकरण, यानी कि दो समतल के परिच्छेद से होकर जाने वाला समतल का समीकरण क्या होगा। तो हमारा क्या होता है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड प्लस डी वन, फिर प्लस लैंडा आ जाता है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड प्लस डी टू बराबर 0 के। तो जब दो समतल के परिच्छेद से होकर जाएगा समतल का समीकरण, तो फार्मूला ये हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, याद कैसे होगा, ए वन एक्स बी वन वाई सी वन जेड डी वन, फिर इसके बाद लैंडा, फिर ए टू एक्स बी टू वाई सी टू जेड, इसके बाद डी टू, बस कुछ नहीं करना है, ऐसे याद कर लेना है। बाकी देखते हैं आगे के फार्मूले क्या है यहाँ पे, देखिए 9 वाला फार्मूला क्या है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जितने भी 9, 10, 11, 12, 13 जो भी हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। एक्स वाई समतल का समीकरण क्या होता है, तो एक्स वाई समतल का समीकरण क्या होता है, जेड बराबर 0 होगा। मतलब यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड तीन अक्ष होते हैं आपके, जब एक्स वाई पूछेगा कि एक्स वाई समतल का समीकरण क्या होगा, तो देखो एक्स वाई को छोड़ देना है, अगला वाला क्या होता है जेड होता है, तो जेड बराबर कर देना 0। जब यहीं पूछ लेगा हमारा कि वाई जेड समतल का समीकरण क्या हो जाएगा, तो देखिए एक्स वाई जेड होता है, तो वाई जेड को ले लेना है और एक्स वाला जो बचा रहेगा यानी कि उसको 0 के बराबर कर देना है, एक्स बराबर 0 कर देना है। एक्स वाई जेड तीन होते हैं अच्छे, तो जैसे वाई जेड का पूछ रहा है, तो जो बच रहा है यानी कि एक्स वाला अगर बच रहा है तो उसको 0 के बराबर कर देना है, तो वही क्या हो जाएगा, उसका समीकरण हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक्स वाई समतल का समीकरण क्या होगा, जेड वाला बच रहा है तो जेड बराबर 0, वाई जेड का समीकरण क्या हो जाएगा एक्स वाला बच रहा है यानी कि एक्स बराबर 0। और देखिए एक्स वाई एक्स जेड समतल का समीकरण क्या होगा, वाई वाला अगर बच रहा है तो वाई वाला 0। कैसे मतलब बच रहा है क्या, ये चीज़ एक्स वाई जेड तीन अक्ष होते हैं, तो एक्स जेड का पूछा है तो एक्स जेड, तो वाई वाला बच रहा है यानी कि वाई बराबर 0 कर दो बस, तो हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा एक्स वाई जेड का, सॉरी एक्स जेड का क्या एक्स जेड समतल का समीकरण हो जाएगा। तो बाकी देखते हैं 12 क्या है हमारा, इंपॉर्टेंट ये भी है, एक्स अक्ष के समांतर समतल का समीकरण। अब देखिए यहाँ पे पहले आपको व्यापक फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी और बराबर होता है 0 के। तो अगर ये फार्मूला आपको याद है ना, तो यदि एक्स अक्ष के समांतर समतल का समीकरण पूछ रहा है, तो एक्स वाले को हटा देना है, टर्म को एक्स वाले टर्म को हटा देना है, क्या लिखना है, बी वाई सी जेड प्लस डी बराबर 0, बी वाई सी जेड प्लस डी बराबर 0, तो इस प्रकार से आपको करना है। तो यदि एक्स अक्ष के समांतर पूछ रहा है तो क्या करना है, बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 लिख देना है, उस एक्स वाले भाग को हटा देना है। अब इसे वाई अक्ष के समांतर पूछ रहा है तो बी वाई वाले को हटा देना है, यानी कि वाई वाले भाग को हटा देना पूरा ही पूरा, तो ए एक्स
सी जेड प्लस डी यानी कि ए एक्स प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 हो जाएगा वाई एच के समांतर समतल का समीकरण। तो ऐसे आपको फार्मूला याद कर लेना है, बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा जिस प्रकार से आपको बता रहे हैं। बाकी देखना है, यहाँ पे देखते हैं एक्स वाई जेड हो गया, अब जेड वाला देख लेते हैं, जेड जेड एच के समांतर क्या होता है, जेड एच के समांतर हमारा क्या होता है, जेड वाले को हटा देना है तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस डी बराबर 0 हो जाएगा, तो हमारा जेड एच के समांतर समतल का समीकरण हो जाएगा। तो आशा करता हूँ यहाँ तक फार्मूले जितने बताए सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले आपको समझ में आ गए होंगे और लगभग लगभग याद भी हो गए होंगे। तो समतल जो समीकरण के जितने फार्मूले थे लगभग 14 फार्मूले थे, तो सारे फार्मूले आपको याद हो गए होंगे। तो बाकी देखते हैं आप कोण वाले फार्मूले कि कोण कैसे याद किया जाता है समतल का। देखिए बहुत आसान है, आपने क्या कहते हैं अंतरिक्ष में बिंदु वाले में भी पढ़ा होगा ये फार्मूला, दो समतल के बीच का कोण, जैसे एक समतल ए दिया गया है और एक समतल ए दिया गया है, इनके बीच का कोण थीटा ज्ञात करना है। अगर तो कैसे ज्ञात करेंगे कि यदि समतल का समीकरण ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड और प्लस डी वन हो बराबर 0 को हो और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड प्लस डी टू बराबर 0 के हो, तब इनके बीच का कोण क्या हो जाएगा, तब इनके बीच का कोण क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वन मिनट दिखा देते हैं थोड़ा सा, देखिए कॉस थीटा बराबर हो जाएगा ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू और अंडर रूट है बटे में अंडर रूट ए वन स्क्वायर बी वन स्क्वायर सी वन स्क्वायर अंडर रूट में ए टू स्क्वायर बी टू स्क्वायर सी टू स्क्वायर। तो हमारा ये कॉस थीटा का फार्मूला हो जाएगा जब आपके दो समीकरण दिए रहेंगे। तो ये फार्मूला आपने उसमें पढ़ा होगा, क्या कहते हैं अंतरिक्ष के बिंदु में सेम फार्मूला था, तो वही फार्मूला यदि आपको याद होगा तो आप यदि अच्छा हम आपको बता दें कि यदि इसके पहले जो हमने अंतरिक्ष के बिंदु के दो पार्ट वीडियोस बनाए थे, एक में हमने फार्मूलेज को बताया था, कंसेप्ट को बताया था और दूसरे में सेवन टाइप जो है क्वेश्चन बताए थे, तो उन्हीं को आप तैयार कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में कुछ नहीं करना है, उन्हीं क्वेश्चन को तैयार कर लेना है, यानी देखिए कंसेप्ट तैयार कर लेना है, बाकी एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे उसी टाइप से आएंगे, तो उसको हमने बताया जा करके देख लीजिएगा प्रेस्ट में। तो देखते हैं यहाँ पे कंडीशन कुछ दी गई है, देखिए थोड़ा सा दिखा देते हैं यहाँ पे कंडीशन के बारे में, देख लीजिए कंडीशन वन क्या है कि जब समतल परस्पर समांतर होगा तो ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू बराबर सी वन सी टू होगा। तो देखिए जब समांतर होगा तो ये ए नियम होगा और जब परस्पर लंब होंगे तो ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू बराबर 0 होगा। तो ये दोनों फार्मूले भी आपके याद होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि देखा कि जब समतल परस्पर समांतर होते हैं तो कंडीशन क्या होती है, चार ऑप्शन मिलेगा और ए वन ए टू बी वन बी टू एक ऑप्शन ए भी रहेगा उसके साथ अदर ऑप्शन रहेंगे, तो आपको याद होना चाहिए। और जब यहाँ पे देखिए जब समतल परस्पर लंब होगा तो फिर ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू, तो इस प्रकार से फार्मूला आपको दे देगा। तो मतलब थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए ताकि एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो। तो बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू इसका क्या है कि दो समतल के बीच का कोण लंब रूप में, तो देखिए कॉस थीटा बराबर यदि लंब रूप में होगा तो एल वन एल टू एम वन एन टू प्लस एन वन एन टू, जहाँ पे एल एम एन जो हमारी होती हैं द्विकोज्या होती हैं, तो लंब रूप में क्या हो जाएगा एल वन एल टू एम वन एन टू प्लस एन वन एन टू। देखिए अगर द्विकोज्या दे दी जाए तो या फिर मान लीजिए समीकरण दे दिया गया फिर उससे आप द्विकनुपात निकालेंगे फिर उसके बाद द्विकोज्या निकाल लेंगे, तो मतलब उतना बड़ा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा। तो कॉस थीटा एल वन एल टू प्लस एम वन एन टू और प्लस एन वन एन टू एल वन एल टू और एम वन एन टू एन वन एन टू सारे मान दिए रहेंगे और कहेगा कि इनके बीच का कोण लंब रूप में ज्ञात कीजिए, तो ये फार्मूला आप यूज करेंगे तो आसानी से हल हो जाएगा। बाकी देखते हैं इसमें कुछ कंडीशंस हैं कि जब लंब होगा एल वन एल टू प्लस एम वन एन टू प्लस एन वन एन टू बराबर 0 के होगा, और दूसरी कंडीशन जब समांतर होगा तो ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इनका जो योग होगा 0 के बराबर होगा। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर लीजिए सारे फार्मूले को। बाकी आप देखते हैं दूरी वाले सूत्र को, तो हमने समीकरण वाला बता दिया, कोण वाला बता दिया, आप क्या बताना है आपको दूरी वाला बताना है। देखिए यहाँ पे बिंदु एक्स वन वाई वन जेड वन से समतल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 की लंबिक दूरी क्या होगी। देखिए यहाँ पे एक बिंदु दिया गया है और एक समीकरण दिया गया है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन में दिया जाए तो आपसे दूरी पूछे तो क्या होगा, फार्मूला पी बराबर मॉड ऑफ यानी कि मॉड ऑफ के अंदर ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखिए ये जो मॉड ऑफ लगा होता है क्यों लगा होता है, क्योंकि दूरी जो हमारी होती है ऋणात्मक होती नहीं है, तो इसीलिए कभी कभी मान ऋणात्मक आता है, तो जब मॉड ऑफ से बाहर निकालेंगे तो पॉजिटिव मान आ जाएगा, तो इसीलिए मॉड ऑफ लगा होता है।
अच्छा अगर हम इसको थोड़ा सा यूज करने की बात करें, देखिए ए एक्स वन प्लस बी वाई वन, वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी, ये कैसे होगा? देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो क्या करना है, यहाँ पे ए एक्स वन वाई एक्स वा और यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ पे वाई और जेड की जगह पे आपको मान रख देना होगा, ए वाला मान, बिंदु वाला, तो आपको ऊपर वाला वैल्यू निकल जाएगा। और ए वन बी वन और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कहाँ से निकलेगा, ये जो ए बी सी हैं इनको आप यहाँ पे रखेंगे तो इसका मान निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आप बिंदु का फार्मूला यूज करके, अगर एक बिंदु दिया गया और एक समीकरण दिया गया तो ये फार्मूला यूज करेंगे, आसानी से जो है आप दूरी का दूरी निकाल लेंगे। तो बाकी देखते हैं इसके दो जो हमारे दूसरा इसका फार्मूला है लास्ट, मतलब जो हमारा फार्मूला है क्या है कि दो समांतर समतल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी वन बराबर जीरो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी टू बराबर जीरो। तो देखिए अभी अभी हमने बताया इसके पहले कि दो समांतर समतल दिया रहेगा तो कैसे हम दूरी को ज्ञात करेंगे, इसके पहले मैंने बताया था। तो इनके बीच की दूरी का फार्मूला क्या हो जाएगा, डी बराबर मॉड ऑफ डी वन माइनस डी टू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो देखिए ये कैसे होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे दो समीकरण दिया गया है तो हम कौन सा ए लेंगे बी लेंगे सी लेंगे। तो देखिए कुछ नहीं करना है, दो समांतर समतल का मतलब क्या होगा कि ए एक्स बी वाई सी जेड, ए एक्स बी वाई सी जेड सब आपस में बराबर होंगे, इनका मान केवल मान के यहाँ पे डी वन डी टू का अलग होगा। तो अगर बराबर नहीं होंगे तो हम उसमें गुणा करके बराबर कर लेंगे एक समीकरण को दूसरे समीकरण के, मतलब कहने का यहाँ पे समांतर करेंगे, जब समांतर हो जाएंगे तो ए बी सी का वैल्यू एक ही रहेगा, तो ए बी सी का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे और डी वन डी टू का अलग अलग रहेगा यहाँ पे रख देंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, दूरी निकाल लेंगे दो दो समांतर समतल के समीकरण के बीच में। तो आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन, सारे जो हमारे फार्मूलेस थे, कॉन्सेप्ट थे, आपको समझ में आए होंगे। तो यदि आप इन्हीं को तैयार कर लेते हैं अच्छे से तो आपके फार्मूले जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो जाएंगे। और यदि इनसे इनसे देखिए क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, डायरेक्टली पूछ भी लिया जाता है, जितने हमने इंपॉर्टेंट बताए हैं सारे जो है इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, बाकी सारे आपको याद होने चाहिए। तो बाकी आगे अगली वीडियो में इसके जो है कुछ इंपॉर्टेंट सवाल के साथ मिलेंगे, जो कि हमारे फाइव टाइप बताएंगे आपको, फाइव टाइप क्वेश्चन। तो उन्हीं फाइव टाइप को यदि आप तैयार कर लेते हैं तो ये आपके मान के चलिए एग्ज़ाम में, आपका एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन आने वाला है, ये आप 100% मान के चलिए। और बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और बाकी के लिए बाय बाय, टेक केयर।